अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा अवैध सट्टा जुआ के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए थे, जिस पर तराना पुलिस द्वारा एसडीओपी राजाराम अवास्या के मार्गदर्शन में 27 अक्टूबर 2020 को थाना प्रभारी संजय मंडलोई को मुखबिर से सूचना पर फारूक खान निवासी पाला मोहल्ला राम सिंह कॉलोनी तराना का सट्टा अंकों का लिखकर रुपयों पैसों का हार जीत का दाव लगाकर लोगों से अपने घर के पीछे वाले कमरे में ले रहा था। वहीं उक्त सूचना तस्दीक हेतु तत्काल टीम बनाकर उक्त मकान पर दबिश दी गई। मकान में दो व्यक्ति फारूक खान निवासी पाला मोहल्ला को पकड़ कर जिसके पास से एक रजिस्टर जिसमें सट्टा के अंक लिखे मिले तथा लीड पैन कैलकुलेटर दो मोबाइल लावा कंपनी के तथा सट्टा रकम 2,50,000 रुपए तथा दो दूसरे का नाम पता पूछने पर अपना नाम कन्हैयालाल पिता गंगाराम निवासी तोबरी खेड़ा का बताया। उसके पास से सट्टा पर्ची व अंक लिखी सट्टा रकम 2,800 रुपए मिले, जो जब्त कर पंचनामा जब्ती बनाया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। वहीं फारूक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि सद्दाम पिता पप्पू निवासी किला कॉलोनी तराना को कमीशन पर सट्टा लिख कर देता हूं, सद्दाम मुझे कमीशन देता है। वहीं थाना प्रभारी द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस दौरान उन्हीं बाबूलाल चौधरी, सहायक उपनिरीक्षक त्रिभुवन कुशवाहा, आरक्षक रमेश्वर पटेल, आदिराम केवट, मांगीलाल मीणा, संतोष महिला आरक्षक, निधि दिगान, सभी की कार्यवाही में सराहनीय भूमिका रही। किस प्रकार की कार्रवाई की गई आपके द्वारा? नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देश जी, सामाजिक जो बुराई है उसको खत्म किया जाए जी, उसी तारतम्य सत्ता अभियान के खिलाफ सत्ता के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसमें आज मेरे स्टाफ ने उप निरीक्षक चौधरी जी, बाबूलाल चौधरी, आरक्षक मांगीलाल, रामेश्वर, आदिराम, सुधीर, दीपक, इन सब ने मिल के एक फारूक नाम के लड़के को सट्टा घर से उसके घर से पकड़ा है। 20,000 रुपये मिले हैं और सट्टे के कर्ज मिले हैं। सर, सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ फरार भी है? एक सट्टा लगाते हुए पकड़ा है, एक को लगाते हुए पकड़ा है, फारूक सट्टा नहीं कराना, ये जिसको देता था सद्दाम को वो भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी बाद में। सर, लगातार जो सट्टा माफिया कार्रवाई जो आपके द्वारा जो चलाई गई, ये लगातार चलती रहेगी या ये लगातार चलती रहेगी? सामाजिक बुराई को खत्म करना ही है, इस उद्देश्य से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।